सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पहले भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, और ठीक ठीक से कर्म करोगे यज्ञ भाव से तो तुम्हारी भलाई होगी। और इसके बाद भगवान ने बताया कि सारी जो सृष्टि है उसमें भी यही कर्म चक्र का घूमना हो रहा है। पर ये तो है वर्तितम प्रवर्तितम, यही चक्र जो है लगातार घूम रहा है। तो चक्र का मूल क्या है? भगवान कहते हैं कि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तो अक्षर से जो उत्पन्न हुआ ब्रह्म, और ब्रह्म से सारा जो निकल रहा है चलते, सारा कर्म का जो चक्र का आरंभ हुआ अन्नात भवन्ति भूतानि से लेकर के, तो ये विश्व में ऐसा एक कर्म का जो चक्र है लगातार घूम रहा है। और इस चक्र को टालकर व्यवहार करना किसी को, ये महात्मा मुनि लोग तो फिर इसको कभी नहीं टालते, टाल नहीं सकते। और यदि कोई व्यक्ति इसके अनुसार इस चक्र जो घूम रहा है पृथ्वी में मतलब विश्व में सृष्टि में, इस चक्र के अनुसार यदि कोई जी नहीं रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ता एकदम व्यर्थ व्यक्ति, कोई प्रयोजन नहीं, सब प्रयोजन भी नहीं, दूसरों के लिए भी कोई इस किसी का काम नहीं आएगा। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि किसी भी हालत में किसी भी दृष्टि से देखोगे तुम्हारा जो कर्म है, जब तक ये शरीर है, जब तक तुम पृथ्वी में है, पृथ्वी पे घूम रहा है पृथ्वी पर, तब तक तुम इस कर्म को त्यागना छोड़ना ये कभी नहीं हो सकता या संभव। अच्छा, तो कर्म के बिना कोई भी प्राणी नहीं रह सकता, रहेगा भी नहीं। तो अभी भगवान इस श्लोक में 16वां श्लोक में अभी हमको यहां से पढ़ना है, एवं प्रवर्तितम चक्रम से। तो भले भगवान बता दिया कर्म का क्या है, कर्म मतलब क्या है, फिर कर्म को यदि स्वार्थी होकर जियोगे जीवन में तो एक बड़ा चोर बनेगा, स्थेन ये वसहा, वो तो बिल्कुल चोर ही है चोर। ये पचंती आत्म कारणात, तो अपने लिए ही जीता है जो आदमी, वो तो या भगवान पुलिस कानून कहे या ना कहे, भगवान तो कह ही दिया कि चोर है तू, और भगवान कह दिया तो फिर जन्म जन्म कर जन्म जन्मांतर ही लगेगा लागू, जो भी कानून का सेक्शन जो लगेगा ना लगातार लगता है, छोड़ता नहीं,
दुनिया के जो लॉ कानून है उससे छूटने के प्रयास भी कर सकते हैं, फिर छूट भी जाएंगे तो ठीक है, मर भी गए तो बस के खत्म, क्योंकि आदमी नहीं है पृथ्वी पे। पर भगवान के जो कानून है, इस कानून के चक्र में ऐसा अपने आप को बचाकर, भगवान से बचकर रहने का असंभव, कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए जो ये धर्म है ये तो लागू है। तो इस चक्र जो घूम रहा है विश्व में, भगवान समझा दिया, अन्नाद भवंति से लेकर के ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्य नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये सारे जो चक्र है विश्व में, अनेक प्रकार के लोक, एक एक लोक में अनेक प्रकार के जीव, वहाँ पे भी अनेक प्रकार के देवताएं, अनेक प्रकार के योनि, अनेक प्रकार के अनुभव, इसका फल परिणाम लगातार चल रहा है ये चक्र। ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये चल रहा है। तो इसकी सीमा क्या है, इसकी गति क्या है, इसका आरंभ कहाँ है, अंत कहाँ है, तो आगे भगवान कहेंगे आगे जाकर के चौथा अध्याय में, कि भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म का जो कर्म की जो गति है वो तो बड़े गहन है, वो गहन, इसकी गहनाई को जानना नहीं हो सकता। न जाने किस जन्म का कर्म किस रूप में कब सामने प्रकट हो जाते हैं, पता नहीं। देखिए, तो इसलिए सारे विश्व का जो चक्र घूम रहा है इसके अनुसार तुमको जीवन जीना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलो ठीक है, इस जन्म में पहला पता कर लो, मालूम कर लेना कि ये इस चक्र है, इस चक्र के अनुसार जीवन जीना है, मालूम कर लिया, हाँ जी, तो अगला जन्म में भी इसका अभ्यास करो, फिर दो तीन जन्म के बाद इसमें निष्ठावान बनो, निष्ठावान बनो, निष्ठा, इसमें निष्ठा प्राप्त कर लो, प्राप्त करने के बाद फिर आगे बढ़ो। छूट नहीं सकता आदमी इस मार्ग से, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अब भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। इस पर भगवान कहते हैं आचार्य जी भाष्य, एवं ईश्वरेण वेदयज्ञपूर्वकं जगच्चक्रं वर्तितं न अनुवर्तयतीह लोके यः कर्मणि अधिकृतः सन्। मन देखिए, एवं इस प्रकार ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम, देखिए ईश्वरेण प्रवर्तितम चक्रम, देखिए इसका चक्र को घुमाने वाला चलाने वाला कौन है, ईश्वर। तो ईश्वरेण, और इस चक्र का लक्षण क्या है, वेद और यज्ञ पूर्वकम, वेद वेद और यज्ञ, यज्ञ भाव, यज्ञ का मतलब हमने बता दिया। सो वेद माने ज्ञान, ज्ञानयुक्त, और यज्ञ माने कर्म, तो ज्ञान और कर्म पूर्वक इस सृष्टि का जो चक्र है उसको चलाने वाला कौन है, स्वयं ईश्वर। एवं ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम वर्तितम, इस प्रकार जो जगत चक्र चल रहा है, न अनुवर्तयति यह लोके यह, जो भी व्यक्ति इस लोक में इसका अनुकरण नहीं करता, माने इसके अनुसार नहीं जीता, यज्ञ भाव का मतलब क्या है अब आगे बताएंगे, आगे आएंगे और भी अच्छे अच्छे विषय आएंगे आज। तो इसका अनुसार जो नहीं जीता, माने कर्मणि अधिकृतस्सन, अरे भैया तुम कहां पर हो, तो तुझे तेरा अधिकार किस में है, तेरा अधिकार कर्म में ही है, तो कर्म में अधिकारी
होते हुए भी इस जगत का चक्र जो घूम रहा है ईश्वर के द्वारा उसके अनुसार माने वेद यज्ञ पूर्वकम जो जी रहा न नहीं जी रहा है जीवन अधिकृतसन अधिकारी होते हुए भी, तो फिर क्या होगा? तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्षण क्या है? तो अधिकार अज्ञानी है, तो तुम्हारा अधिकार किस में है? कर्म में है। तो तुझे क्या करना चाहिए? इस चक्र का अनुकरण, चक्र को अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए जीना है। लक्षण क्या है इसका? वेद यज्ञ पूर्वकम। कौन चलाता है? ईश्वर। तो ईश्वर के द्वारा चलाते हुए इस चक्र के अनुसार तुम्हारे अधिकार होते हुए भी इसका अनुसार अनुकरण, इसके अनुसार तुम यदि जी नहीं रहे है, तो फिर क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को अघायुः अघम पापम आयुः जीवनम यस्य। अघम माने पापम, आयु माने जीवनम, माने जिसका जीवन क्या हुआ? पाप जीवन इति यावत। इसका जीवन का फिर क्या हुआ? पाप जीवनम। पाप जीवन माने सिर्फ पाप ही कर रहा है, पाप ही कर रहे हैं, पाप से ही उसका प्रेरणा किस में है? कहां से मिलती है प्रेरणा उसको? पाप, पाप ही प्रेरणा, पाप में ही जी रहे, पापयुक्त होकर व्यवहार करते हैं, देखिए, और पाप का फल भोगता है। पाप माने कहां पर है बताइए? बताता हूं आपको, बस सिर्फ रूप एक रूप में बता देता हूं आपको। पाप का मतलब यही है कि इस अभी जिस प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार प्रासंगिक दृष्टि से हम यदि देखते हैं तो यहां पर पाप का मतलब क्या है? जो इस विश्व के साथ अनुसंधान नहीं करते हुए जी रहा है वही पापी है। एक ही पंक्ति में, इस चक्र के साथ जुड़कर व्यवहार करे तो तू पापी नहीं है, इस चक्र से हटकर व्यवहार करे स्वेच्छाचार स्वेच्छा विचार तो पापी है। मैं सबके साथ चल रहे हैं, सभी के लिए जी रहे हैं, तो फिर चक्र के साथ है, देखिए, अलग रहकर व्यवहार करना माने स्वार्थी जीवन तो पापी है। तो भगवान बताते हैं अघायु पाप जीवन इति यावत, माने पापी जीव, पापी जो पापी है इसका फिर लक्ष्य क्या, लक्षण क्या है जीवन का? लक्षण बोलते इंद्रियाराम। उसका लक्षण क्या है? इंद्रियाराम माने इंद्रिय ही आराम, आरमणम आ क्रीडा विषयेषु यस्य स इंद्रियाराम, माने सिर्फ इसका जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय वस्तु इंद्रियों में ही रमणा, इंद्रिय सुख जो है उसी में रमणा, बस मेरा पांच इंद्रिय है, बस इसी इंद्रियों को तृप्त करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, सिर्फ मेरे ही लिए जीना और किसी के लिए भी नहीं जीना, दुनिया से हटकर मैं व्यवहार कर रहा हूं बस, और मेरे 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 जो मेरी जो जो अभिप्राय है, मेरा अभिप्राय जो है और मेरा जो संकल्प है उसके साथ जो भी जुड़ जाते हैं वो मेरे प्रेमी हैं, सब प्रेम बन जाते हैं प्रेमी लोग, जो अलग है इससे तो द्वेषी है, सब लोग द्वेष करते हैं उनसे, मैं उन सब से द्वेष करता हूं, तो मैं अलग होकर जी रहा हूं, इस चक्र के साथ मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है। देखिए प्राय सभी लोग ऐसे ही हैं। सो इंद्रियाराम मोघम वृथा हे पार्थ स जीवति, इसका जीवन जीवा जीकर भी बेकार है, माने व्यर्थ है, इसका जीवन ही व्यर्थ है, भगवान तो कह दिया। तो पापी वही है। तस्मात अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्म इति प्रकरणार्थः, इसका मतलब क्या है? अधिकृतेन अज्ञेन कर्म एव कर्तव्यम, जो अज्ञानी अधिकारी है, अज्ञानी जो है जिसका अधिकार कर्म में ही है, उसको करणीयम माने कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए, बस यही इसका, और कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। किस लिए करना चाहिए भैया? क्योंकि तू अज्ञानी है और तेरा अधिकार कर्म में ही है, बस यही कारण है। और आगे प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते हे
तादर्थ्येन कर्मयोग अनुष्ठानाम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम् एव इति एतत् न कर्मणाम् अनारंभात् इति अतः आरभ्य शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेन कर्मणः इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्तेः प्राग्। माने आत्मज्ञान की निष्ठा में आत्मज्ञान निष्ठा और इस निष्ठा की प्राप्ति से पूर्व अभी इसका योग्यता प्राप्ति, तो आत्मज्ञान में निष्ठा तो इस निष्ठा से पहले योग्यता की प्राप्ति, उस योग्यता प्राप्ति से पहले तो तस्मात् प्राक आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते है। आत्मज्ञान में निष्ठा योग्यता की प्राप्ति से पहले तादर्थ्येन, तादर्थ्येन माने आत्मज्ञान निष्ठा के लिए कर्मयोग अनुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम्, उसकी निष्ठा के लिए ज्ञान निष्ठा के लिए अज्ञानी द्वारा अनात्मज्ञेन जो अपना अनात्मज्ञ है माने जो अपने बारे में नहीं जानता तो आत्मज्ञानी नहीं है, इसलिए वो अधिक अज्ञानी है। अज्ञानी के द्वारा कर्मयोग अनुष्ठानम् कर्तव्यम्, कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी बात को बताते हुए इस बात को कहाँ से शुरू हुआ, न कर्मणाम अनारंभात ऐसा चौथा श्लोक से लेकर के शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धि न कर्मण इति अंतेन प्रतिपाद्य इस श्लोकांत तक शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धि न कर्मण, आठवां श्लोक है। 4, 5, 6, 7, 8 इस पांच श्लोकों में इसी विषय को प्रतिपाद्य करने के बाद प्रतिपादन करके फिर आगे कह के जाकर यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र इत्यादिना, तो यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र जो यज्ञ के लिए किए गए कर्म से जो भी है उसके अन्यत्र से बाकी इसके अलावा जो भी कर्म करता है इस जो भी कर्म है ऐसा उस श्लोक से लेकर के नौवां श्लोक से लेकर के मोघम पार्थ सजीवति माने अभी 16वां श्लोक तक इति एवं अंतेन अपि ग्रंथेन प्रासंगिकम अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहुकारणम् उक्तम तदकरणे च दोष संकीर्तनम् कृतम्। तो क्या बताया अभी, प्रासंगिकम बहुकारणम, प्रसंग के अनुसार बहुकारणम, एक कारण नहीं अनेक कारण भगवान ने दिखलाया अर्जुन को। तो बने ये कर्म नहीं किया क्या है, क्यों नहीं क्यों करना चाहिए, कर्म का रहस्य क्या है, नहीं किया तो क्या होगा, और कर्म बिना रह ही नहीं सकता, ऐसे इस तरह से बहु कारणम अनेक प्रकार के कारण भगवान ने बताया, बताकर इसका आंतर ये क्या है, यही है अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने। तो बताया क्या विषय क्या, फिर आखिर में भगवान क्या बताना चाहते हैं, भैया अज्ञानी के लिए, अज्ञानी को बस सिर्फ कर्म में ही इसका अधिकार है। अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्म अनुष्ठाने बहुकारणम उक्तम, और कर्म अनुष्ठान में अनेक प्रकार के कारण बतलाकर उक्तम तद अकरणे च दोष संकीर्तनम कृतम, यदि तुम अपना इसका ऐसा जो कर्म नहीं किया तो अनेक प्रकार के दोष भी भगवान ने बता दिया। अभी तक माने संक्षिप्त में भगवान आचार्य जी भाष्य में अभी चौथा श्लोक से लेकर के 16वां श्लोक तक इसका क्या अंतर है, क्या विषय है, भगवान ने क्या बताया, ये सब बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी भाग रहा हूं क्या मैं, अच्छा ठीक है। एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम आहोस्वित पूर्वोक्त कर्म योग अनुष्ठान उपाय प्राप्यम अनात्मविदा ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन एव इति एवं अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नम आशंक्य। तो भगवान के अभी आशंक्य माने ऐसा अर्जुन का जो प्रश्न पूछा नहीं, बस भगवान पहले जान लिया कि ऐसा प्रश्न होने पर, तो अर्जुन को पहले ही बता देते हैं कि भैया तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न का उदय होने का संभावना है, आज नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो आगे जरूर होगा, तो इसलिए पहले भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा उसका स्पष्ट कर देता हूं। यही है आचार्य का लक्षण ही होना चाहिए कि पूछा नहीं मैं क्यों बताऊं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आगे जो जो शंका हो सकती है
जो शंका होने का संभावना है वो शंका पहले ही भगवान बता, आज गुरु बता देते हैं, देखो ये आगे तुम ये सब पूछोगे, ऐसा शंका होने का संभावना है तो इसका भी निवृत्त कर देता हूं, चलो सुनो। तूने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर टीचर का ही दिमाग खाता है शिष्य बार बार। तो अपने आप को बचाने के लिए टीचर क्या करते हैं, पहले बता देते, भैया स्पष्ट कर देता हूँ, जान से सुनो। तो इति आशंका, क्या आशंका है, आशंका क्या, भगवान ने ऐसा सोचा इसके बारे में, एवं स्थिति यदि ऐसा है तो एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम, इस जो चक्र जो घूम रहा है इस चक्र के अनुसार जीना ये सर्व सभी के लिए लागू है, आहोस्वित या नहीं तो, माने इसका अनुकरण किसको करना है। प्रायः अज्ञानी के लिए, सिर्फ अज्ञानी के लिए ही ये लागू है ये नियम, कि ये चक्र जो घूम रहा है विश्व में कर्म का चक्र, इसका अनुसार तुमको जीना है। ये जो सूत्र जो आपने जो बताया ये सिर्फ अज्ञानी के लिए ही लागू है या ज्ञानी के लिए भी लागू है, यह है प्रश्न का अंतर। यह ध्यान से सुनना, अब अज्ञानी के बारे में बता दिया, बार बार बताते आए हैं कि अज्ञानी का ही कर्म में अधिकार है, ज्ञानी का नहीं है। आखिर में ये विश्व में जो घूम रहा है चक्र उसके बारे में बता दिया, कर्म का चक्र यज्ञ रूप में जो घूम रहा है, ये सारे जो विश्व यज्ञ प्रतिष्ठितम नित्यम ऐसा भी बता दिया भगवान। आहोस्वित या नहीं तो पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान उपाय प्राप्यम, देखिए कर्मयोग का अनुष्ठान एक उपाय है, कर्मयोग का पहले बता दो दिया, जैसे पहले बताया उसके अनुसार, जैसे आपने बताया कि कर्मयोग का अनुष्ठान एक सिर्फ एक उपाय है, इस उपाय के द्वारा प्राप्यम माने जो प्राप्तनीय प्राप्तव्य वस्तु है, जो स्थिति है वो क्या है, ज्ञान योगेन एव, माने प्राप्यम ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयम्, और जो ज्ञान योगियों के द्वारा ही माने ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयम्, माने जो सांख्य लोग है जो ज्ञान में ही सिर्फ उनका निष्ठा है, ऐसे ज्ञान ज्ञानी लोग ज्ञान योग के द्वारा प्राप्तव्य करने जो वस्तु जो स्थिति है ना, उस स्थिति को माने अनात्मविद के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योगी द्वारा जो निष्ठा जो जिस स्थिति की निष्ठा आगे प्राप्त करने का जो उसके मन में संकल्प है जो प्राप्त कर लेगा, यह माने अनात्मविदा ज्ञान योगेन एव निष्ठा आत्मविद भी सांख्यैः अनुष्ठेयम् अप्राप्तेन, माने जिस स्थिति को सांख्य लोग पहुंच गया प्राप्त कर लिया उस स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ अज्ञानी के लिए, इसीलिए उस अज्ञानी के लिए ही लागू है। या सभी लोग करना चाहिए क्या, सब में कौन कौन आ गया, अज्ञानी भी आ गए ज्ञानी भी आ गए, ये सभी को लागू है, या नहीं तो सिर्फ जो सांख्य योगी है उसके द्वारा जो स्थिति है जो प्राप्त करते हैं अपना ज्ञान योग के द्वारा, उस स्थिति को प्राप्त करने ये अज्ञानी के द्वारा नहीं हुआ, ऐसा सिर्फ अज्ञानी को ही लिए ही ये लागू है क्या, जो स्थिति सांख्यों के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता प्राप्त किया जाता है उस स्थिति को ही प्राप्त हुआ, इसीलिए ऐसा एक ज्ञानी के लिए ही लागू है कर्मचक्र या न सबके लिए, समझ आ गए बात, ये ज्ञान ज्ञान की स्थिति है। इस ज्ञान स्थिति में कौन पहुंचते हैं, पहुंचने वाला कौन है, तो सांख्य योगी, अपने आप को जो जान लिया ज्ञानी लोग है उस पर, माने जो स्थिति ज्ञानियों के द्वारा जो पहुंचा जाता है जो स्थिति माने उस स्थिति को अज्ञानी लोग पहुंच नहीं पाते, सो जो नहीं पहुंच नहीं पाते उसी के लिए लागू है क्या, या प्राय सबके लिए लागू है क्या, क्या लागू, एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस चक्र का जो घूम रहा है इसका अनुसार वर्तन करना बर्ताव करना कर्म करना यज्ञ करना इसके साथ साथ चलना किसके लिए है।
इति आशंकिया, या नहीं तो भगवान ये डाउट आशंकिया, मन में शंका हुई होगी अर्जुन के मन में, इस शंका के कारण निवृत्त करने के लिए, या नहीं तो भगवान आचार्य कहते, या नहीं तो भगवान स्वयं अपने आप में मन में विचार किया कि ये भी बता देते हैं, क्योंकि स्वयमेव वा शार्था शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, शास्त्र का जो अर्थ है उसका विवेक के द्वारा जो प्रतिपत्त्यर्थम माने उसका विवेक विवेचन करके उनको समझाने के लिए भगवान के मन में ऐसा संकल्प हुआ, अर्जुन के मन में जो कोई शंका नहीं हुई, स्वयं भगवान के मन में विचार आया कि ये भी बता देते हैं क्योंकि ये तो शास्त्रार्थ है, तो शास्त्रार्थ को बता देते हैं, चलो इस शास्त्रार्थ को समझाते हुए, कौन सा है भाई ये शास्त्रार्थ आगे दिया है ये बृहदारण्यक उपनिषद में, माने इस शास्त्र को, इस शास्त्र जो वाक्य को भगवान मन में रखा, याद आया भगवान को और उसको स्पष्ट करने के लिए, अर्जुन को स्पष्ट करने के लिए ही बताया होगा आगे जो कहने वाली बात, या नहीं तो अर्जुन के मन में शंका हुई या होने का संभावना है, उसको फिर मन में लाकर उसको पहले स्पष्ट करने के लिए बताया होगा भगवान का यह अभिप्राय, भाष्य का जो अभिप्राय है भाष्यकार का। तो क्या है ये शास्त्र का, शास्त्र प्रतिपत्ति अर्थम, इस शास्त्र का अर्थ अवगाहन कराने के लिए, ठीक ठाक उनको अवगाहन कराने के लिए क्या है ये, देखिए ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक मूल है, एक मंत्र है, ये तम वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्याज्ञानास्सन्तः ब्राह्मणाः मिथ्याज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रेषणादिभ्यो व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थितिमात्र प्रयुक्तं चरन्ति न तेषां आत्मज्ञाननिष्ठा व्यतिरेकाण व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति। यह वेद कहाँ पर है, बृहदारण्यक उपनिषद बताते हैं, ये तम वै तम आत्मानं विदित्वा, ये जो प्रसिद्ध लोग आत्मा है, आत्मानं विदित्वा, ये तम वै माने इंडीड, दिस आत्मा, यही आत्मा माने जो प्रसिद्ध है, तो वै माने प्रसिद्ध का जो अर्थ है, हाँ ये वै तम आत्मानं विदित्वा, तो इस आत्मा को जानकर निवृत्तम, निवृत्त मिथ्या ज्ञानासंतः, तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद ये सारा मिथ्या ज्ञान जो है उससे निवृत्त हो जाते हैं, इसमें है ही नहीं तो फिर क्यों पीछे पड़े, देखिए रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता तो पीछे क्यों पड़े, जाओ ना पानी के पास, नहीं होने का संभावना नहीं है, दिख रहे हैं ना बहुत कुछ दिखता है जीवन में, वास्तव में पानी वहां पे नहीं है, क्यों, मैं तो ज्ञानी बन गया हूं, मुझ में यह ज्ञान हुआ कि यह रेगिस्तान है इसमें पानी नहीं होगा, पर खूब दिख रहा है पानी, तो भी मिलने वाले पानी नहीं है, तो जितना दूर जाओगे वो भी पीछे पीछे जाएगा, तो निवृत्त, तो फिर तब यह ज्ञान हुआ, जिसको ज्ञान हुआ वो निवृत्त हो गया, आगे नहीं जाएगा पानी के लिए, क्योंकि मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान तो हुआ पानी दिख रहा है मगर यह ज्ञान सही नहीं है, इसीलिए निवृत्त मिथ्या ज्ञान संतः, तो ऐसे निवृत्त मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हुआ जो ब्राह्मण लोग है, क्यों निवृत्त हो गए, अपने आप को जान लिया, आत्मा को विदित्वा जान लिया, फिर मिथ्याज्ञानवद्भिः ब्राह्मणाः मिथ्याज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः, मिथ्याज्ञानवद्भिः तो मिथ्याज्ञान निवृत्त हो चुका है, तो ऐसे महात्मा लोग तो मिथ्याज्ञानवद्भिः माने जिसके पास मिथ्याज्ञान है अभी भी है लागू है, कौन है, अज्ञानी लोग, सो मिथ्याज्ञानवद्भिः जो अज्ञानी लोगों के द्वारा अवश्यं कर्तव्येभ्यः, तो अवश्यं कर्तव्येभ्यः अज्ञानी लोग सोचते हैं ये तो जरूर करना ही करना है, अवश्यम कर्तव्य भी है अज्ञानी के लिए, ये जरूर करना है, जो जो जरूरी करना है जरूर है, इसके अलावा जीवन नहीं चलता, ऐसा इस कर्म काल में आ जाता है कुछ कर्म, तो ज्ञानी के लिए भैया ये तो मिथ्या ज्ञान है पसो मत इसमें, पर अज्ञानी सोचता है कि नहीं नहीं ये तो अवश्यम कर्तव्य,
जो अवश्यम कर्तव्य माने बस करना ही करना है, अवश्य करना है। क्या है? पुत्र एषणादिभ्यः, पुत्र एषणा माने पुत्र एषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ऐसा जो तीन एषणाएं हैं। अज्ञानी समझता है शादी के बिना कैसे, पुत्र के बिना कैसे, पैसे के बिना कैसे, घर के बिना कैसे, ये तो जरूर करना ही करना है, ये तो लक्ष्य है आदमी का, ऐसा कौन सोचता है? अज्ञानी। तो ये अज्ञानी के लिए अवश्य करने की चीज हो गई, करने वाले चीज कर्म बन गया। ऐसे अज्ञानी के लिए जो अज्ञानी समझता है कि ये जरूर करना ही करना है, ऐसे कर्मों से ज्ञानी मिथ्या ज्ञान को समझकर निवृत्त हो गया। और अज्ञानी सोचता है कि करना ही करना है, नहीं किया तो पाप लगता है। देखिए, तो ऐसा जो अज्ञानी के द्वारा जो करने योग्य ऐसे एषणाएं हैं, इस एषणाओं को पकड़कर जो आगे जाता है अज्ञानी, ऐसे अज्ञानी के द्वारा माने जो करने योग्य जो कर्म है, ऐसा इस तरह का कर्म से कर्तव्येभ्यः, जिसको वो कर्तव्य समझता है, पुत्रादि माने पुत्र एषणादि, पुत्रेषणा वित्तेषणा, एषणा माने इच्छाएं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, कर्तव्य समझकर जो अज्ञानी जीवन में जीता है, ऐसे अज्ञानी के द्वारा सोचा गया ऐसे इस प्रवृत्ति से व्युत्थाया माने अट गया, बाहर आ गया, छोड़ दिया, त्याग दिया। ऐसे चिंतन जो अज्ञानी का जो चिंतन, उसे अट गया, बाहर आ गया, व्युत्थाया उठकर भिक्षाचर्यम, भिक्षा मांग लेते हैं। पर भिक्षा भी क्यों मांग लेना भैया? शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम, बस शरीर है, प्रारब्ध है, तो फिर छोड़ देते, थोड़ा खाना खिला देते हैं ताकि साधना भी कर सकते हैं, बस जो मिले मिला, बस भिक्षाचर्यम। क्या खाओगे? कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी बना लो, मगर बनाना। क्यों बनाना क्यों भाई? तो रहना है ना शरीर, तो रहना है ना, सारे देवताएं हैं, चलो चलो ठीक है। शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरंती, बस चरंती माने घूमते हैं पृथ्वी पर, वे लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, उधर इधर उधर, इधर उधर, कहीं भिक्षा मिल गया चलो ठीक है खा लिया। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति, ऐसे लोगों को माने अज्ञानी ने ज्ञानी लोगों के लिए बारे में बता रहे हैं, ऐसे निवृत्त जो निवृत्त मिथ्या ज्ञान संतः माने आत्मा को जानकर निवृत्त मिथ्या मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हो गए, ऐसे महात्मा लोग आत्मज्ञानी लोगों को उनका कर्तव्य क्या है? आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यम न अस्ति। आत्माज्ञान माने आत्मा में रमणा, आत्मा में स्थित होना, इससे अलावा और कोई कार्य नहीं है, न अन्यत् कार्यम अस्ति। उनके लिए वो बिजी है किसमें? अपने आप में। यार अपने आप में बिजी क्या है? बस अज्ञानी सोचता है कि कुछ करे बिना कैसा आनंद, क्या मजा। और ज्ञानी सोचता है जो किया तो आनंद गया। क्या विचित्र है ना। देखो इन दोनों के बीच में जो आंतर्य है, डिफरेंस, विरुद्ध लक्षण। चलो मजा आएगा घूमेंगे, मतलब मजा के लिए घूमना जरूरी है क्या? ज्ञानी पूछता है। तो अज्ञानी सोचता है बैठे बैठे क्या आनंद क्या मिलेगा, उठो उठो नाचो खाओ पियो मजा करो, घूमते हैं चलो। बैठे बैठे मर जाओगे, बोलते कौन?
मेरे उठने का मन ही नहीं है, बैठे कैसे? जब मन हो तब वृत्ति होगी, वृत्ति हो तब वृत्ति के बाद फिर कुछ कार्य होगा, कर्म होगा, वृत्ति ही नहीं है। वृत्ति क्यों नहीं? मन नहीं है। फिर जीवन का डर नहीं है? कौन सा डर? मृत्यु भय। तो मैं है ही नहीं हूं शरीर, जो मैं नहीं हूं उसके बारे में क्या डर है? एक बैलून पट गया तो फिर ठीक है और दूसरा ले लेंगे, चाहिए तो, पर बच्चा रोएगा, बोलता वही चाहिए, मैं बच्चा नहीं हूं, जाने दो। ऐसा जो आत्मज्ञानी है माने उनके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेका व्यतिरेकेण अन्यत कार्यम न अस्ति। बस उनका कार्य क्या है? बस अपने आप में रमणा, अपने आप में स्थित होना, अपने आप में तृप्त होना, अपने आप में संतुष्ट होना, अपने आप में रति प्राप्त करना। वही कर्तव्य बन गया महात्माओं का। जैसे रमण महर्षि देखिए, हमारे परम गुरु तपोवन जी महाराज को देखिए, तो इति एवं श्रुत्यर्थम, ऐसा जो सुश्रुति का अर्थ जो है, इस शास्त्र के जो श्रुति वाक्य का अर्थ निकालकर उसी को समझाना चाहता है भगवान। किसको? अर्जुन को। क्योंकि किस प्रश्न क्या पूछा मैंने, शंका मैंने आशंक्य क्या है कि ये जो चक्र है जगत का चक्र सिर्फ अज्ञानी के लिए ही है या सबके लिए ही है लागू, इसके अनुसार कर्म किसको करना चाहिए, उसको उसका जो शंका को निवृत्त करने के लिए श्रुत्यर्थम यह गीता शास्त्रे प्रतिपादयिषितम, उसी अर्थ को उसी वाक्य को उसी भाव को गीता शास्त्र में स्पष्ट करना चाहते हैं भगवान, प्रतिपादन करना चाहते हैं। सो प्रतिपादन करना चाहते हैं इसीलिए आविष्कुर्वन आह भगवान, इसी अर्थ को आविष्कृत करते हुए भगवान कहते हैं यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब ध्यान से सुनना, तो भगवान कहते हैं ऐसा है व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है उसके लिए कोई कार्य नहीं है, माने करणीयम माने कर्तव्य कर्म कोई नहीं रह जाता, वो फ्री मुक्त हो गया इस झंझट से। एक है व्यष्टि कर्म, दूसरा समष्टि, तो व्यष्टि को त्याग दिया, समष्टि से भी बाहर निकल गया, उसको इस जगत के प्रति संसार के प्रति उस चक्र के जो घूम रहा है उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, किसी को जवाबदारी नहीं है, करे या ना करे कोई पूछने वाला कोई है ही नहीं, तो कोई मुक्त एकदम मुक्त हो गया। कई बार क्या होता है व्यष्टि कर्म, जो व्यष्टि के रूप में हमको जो हम समझते हैं ये व्यष्टि कर्म है, तो व्यष्टि कर्म से मुक्त हुआ हो मगर समष्टि कर्म पकड़ के रखता है। देखिए तो एक संसार नहीं है, एक परिवार नहीं है, अनेक परिवार जुड़ गए, एक समस्या का समाधान ढूंढने वाला एक गृहस्थ है, अनेक समस्याओं को समाधान समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला सन्यासी है। देखिए इसका बोझ ज्यादा है,
विचार ज्यादा है, वो आगे बताएंगे स्पष्ट करके भगवान। मगर ये कार्य जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किए बिना कोई पूछता क्या? नहीं पूछेगा। देखिए, कोई बच्चा मेरे पास आके ऐसा नहीं पूछेगा कि स्वामी जी मेरा स्कूल फीस दो, नहीं पूछेगा। पर पूछने वाले है, मगर जबरदस्ती नहीं, स्वामी जी इस महीने का ट्यूशन फी पैसा नहीं है, मम्मी के नहीं है पैसा नहीं है, आप कुछ मदद देंगे, दान दक्षिणा देंगे हमको, थोड़ा मैं आपसे मांगता हूं कुछ कराइए ना प्लीज। तो उसी समय और कोई आएगा, बोले तेरे पास पैसा है? हाँ जी, इसको दो, बात खत्म, इनसे ले लो। और वो ले लेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि स्वामी जी ने दिया, ये देने वाला सोचेगा मैं स्वामी जी को दिया। तो इनपुट आउटपुट बराबर हो गया, एक हाथ से लिया दूसरा हाथ से चला गया, मैं तो माध्यम हूं। और ये जरूर कर्तव्य है, नहीं दिया तो कोई पूछने वाला है? नहीं। पाप लगता? नहीं लगेगा पाप। यदि पिता होकर नहीं दिया तो पाप लगता है। फिर भी कर्म क्यों करते हैं? आगे बताएंगे भगवान। मगर इसको कार्यम कर्म न विद्यते, ये करना जरूरी है ऐसा कोई नहीं है। कौन है ये भैया? ये यहां तो देखिए तीन शब्द का प्रयोग किया यहां पे, आत्मरति, आत्मतृप्तश्च और आत्मसंतुष्ट। आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्मरति, माने यहां तो आत्मा में ही जो रति है, यहां तो सांख्य आत्मज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठ आत्मरति ही, माने आत्मन एव रति ही, आत्मा में ही इसका जो रति है, रमण है, इनकी रति कहां पर है? किसमें है? आत्मा में ही रमणता है, आत्मा में ही। तो आत्मा न विषयेषु, रमण किसमें है? हमारा रमण कहां पर है? विषयेषु। इनका रमण कहां पर है? आत्मनि, अपने ही आत्मा में। न विषयेषु यस्य स आत्मरति एव स्यात् भवेत्, और एव स्यात् और आत्मरति एव स्यात्, और जो आत्मरति है वही होगा क्या? आत्मतृप्ति, तृप्तः सैव भवेत्। आत्मरति ही, आत्मरति को ही मिलता है आत्मतृप्ति। ये रति क्या है, तृप्ति क्या है, संतोष क्या है, आगे देखेंगे, पहला भाष्य तो पढ़ने हैं। तो आत्मरति एव स्यात् भवेत् आत्मतृप्तः, माने आत्मतृप्तश्च, माने आत्मना एव तृप्तः, न अत्र अन्न अन्न रसादिना। तृप्ति किनके किस में है? आत्मा में ही तृप्ति, भोजन में नहीं है। भोजन में तृप्ति है ही, पीने में तृप्ति, मजा आया खाने में, मजा आया, मगर ये आत्मज्ञानी जो है, सांख्य निष्ठावान जो है, सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ, सांख्य के द्वारा आत्मा में ही निष्ठा प्राप्त जिसको हुआ, निष्ठा हुई आत्मा में ही, और इनकी इनका आत्मना एव तृप्त न अन्न रसादिना मानव, न च आत्मना एव तृप्त न अन्न रसादिना मानव मनुष्य, कौन है? सन्यासी, आत्मन एव च सुसंतुष्ट, जो सन्यासी है सबको जो त्याग दिया उसका आत्मन एव च संतुष्ट, उनका संतोष कहाँ पर है? आत्मा में। अच्छा, संतोषो ही बाह्यार्थलाभ सर्वस्य भवति। संतोष माने बाह्यार्थलाभ, अर्थ माने विषय वस्तु, कोई चीज मिल गई तो हुआ संतोष हो जाता है। तो अज्ञानी को कोई चीज अपना अपनी जो रुचि वस्तु है, रुचिदायक वस्तु, वो मिल गए तो संतोष, अभी संतोष हूं, क्यों? मैं ये चाहता था, मुझे ये मिल गया, ठीक है।
तो बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति संतोषः। बाह्य पदार्थ या वस्तु की जो लाभ हुआ, जिसको होता है लाभ, उससे संतुष्ट हुआ, संतोष हुआ। ठीक है, अच्छा। तम अनपेक्ष्य आत्मनेव च संतुष्टः। अनपेक्ष माने इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बाह्यार्थ में कोई बाह्यार्थ में नहीं है इनका अपेक्षा, इनकी अपेक्षा किसी में नहीं है, इनकी अपेक्षा स्वयं आत्मा में ही है। तो तम अनपेक्षा उसको छोड़कर आत्मनेव संतुष्ट सर्वतः वीत तृष्णा इति एतत्। इसका मतलब क्या है, सभी समय में सभी सर्वकाल सर्ववस्तेषु वीत तृष्णा माने तृष्णा माने इच्छा, तृष्णा उससे मुक्त हो गया। सो जिसका जो जिसकी जो रुचि है बाह्य वस्तु में, वो तो फिर उस बोलते संतोष हो रहा है उसको, माने प्राप्त करिया तो संतोष हुआ, और इच्छा ही नहीं है, त्याग दिया फिर भी संतुष्ट है, कैसे, आत्मा संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट है। यह ईदृश आत्मवित, ऐसे जो आत्मवित है तस्य कार्यम करणीयम न विद्यते, उसके लिए कर्तव्य कर्म, ऐसा जबरदस्त जोरदार करना ही करना है, करे बिना रह नहीं सकता, ऐसा जो जबरदस्त करने वाले जो कर्म है, कोई कुछ कर्म नहीं है, करने वाला कोई कर्म नहीं है, न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः। अब हम थोड़ा फिर देखेंगे, तो तीन शब्द है, आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्म संतुष्टि, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, पहला भगवान कहते हैं केवल आत्मा में ही इसकी रति है, ठीक है, आत्मज्ञानी इनकी रति कहां पर है, आत्मा में, और आत्मा में ही तृप्त है। नो, रति का मतलब क्या है, देखिए महात्मा ने बताता है, मन से किसी चीज की इच्छा करना, मन से किसी चीज की इच्छा करना, रमण करना है ना, वस्तु प्राप्ति से पहले मन में हम उस चीज की संकल्प करते हैं, है कि नहीं, फिर उसमें रमणते हैं, मिले 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 मिले, फिर बाद में कार्य करते हैं, तो रमण करना वो तो रति हुई, रति एक एक चीज को याद कर करके रमण करना, वो हो गया रति। तृप्त का अर्थ क्या होता है, वस्तु के प्रति कोई अभिलाषा नहीं रह जाता, वस्तु के प्रति कोई अभिलाषा आई, अभी और और चावुर मिले उस वस्तु को, वस्तु हम भोग लिया और इससे इसी वस्तु से और भोग मिले, ऐसे जो अभिलाषा को छोड़ दिया तो तृप्ति है। जैसे कि आप 105 रसगुल्ला खाए, कितना, 105, वो खाने वाला है, बहुत है, रस निकाल के खाते रहते, 105 खा लिया, 105 खा लिया, हाँ, बाद में फिर तृप्ति हुई उसको, बोलते और कुछ मुझे नहीं चाहिए, अभी तृप्तोस्मि, अब मेरा पेट भर गया, मजा आया, और एक रसगुल्ला भी नहीं खाया, अंदर जाएगा, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस बाहर का रसगुल्ला चाहिए, नहीं बाबा, रसगुल्ला अंदर घुस गए, तृप्ति बहुत मिल रही है मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तो स्थिति जो है कि खाने के बाद इसके प्रति, उसी वस्तु के प्रति कोई इच्छा नहीं रह गया, तो उसको कहते हैं तृप्ति, कोई इच्छा नहीं रहना तृप्ति है। और मन में रमण करना पहले रति है, तो रति करना फिर तृप्ति, फिर और देखिए संतोष। तो पहले बताए, जिसको केवल आत्मा ही अच्छा लगता है, आत्मा के बारे में सोचता है, आत्मा के बारे में विचार करता है, वो होते आत्मरति, है ना, बता दिया कि ना पहले, मैं मन में रमण करना, फिर दूसरा क्या है, और आत्मा से ही जिसकी तृप्ति है, बाहर की जो चीजों में कोई इच्छा नहीं है, कोई किसी भोग में इच्छा नहीं है, और क्या है, 106वां
सिक्स रसगुल्ला 106 वो नहीं जाएगा, माने 105 के बाद उसमें बढ़ोतरी नहीं है, है कि नहीं। माने जैसे सुख में जिस सुख प्राप्त होने के बाद उसमें और जोड़ नहीं सकता उस सुख को, तब हुआ तृप्ति। तृप्ति हुई कि नहीं, तब तृप्त हुआ, तब माने और जोड़ नहीं सकता, और कुछ जोड़े तो माने अभी वो तृप्त नहीं है। इसलिए हम भी ना वो बॉर्डर में जब रहता है ना आदमी बॉर्डर पे, तो फिर वो उसको संशय में पड़ जाता है कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो फिर आगे और रसगुल्ला दिखा देता है कोई आके, और ये खाओगे वैसे तो खा लेना, तो ठीक है बस ये आखिरी है। मैं वो बॉर्डर जो बॉर्डर पे रहकर बोलता है ना, तो वो खाने के बाद बस 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 आओ पर और कोई नहीं नहीं नहीं, बस एकदम तृप्त हो गया, बस बस जो रह गया वो भी खा लिया, माने और इसको ऐड नहीं कर सकते, वो है तृप्ति। और आत्मसुख में और क्या जोड़ सकते हैं बताओ, तो इसलिए तृप्ति आत्म में है। और विषय वस्तु कोई भी विषय मिलने के बाद आदमी को संतोष होता है, देखिए। और माने कोई भली लगने वाली चीज ले लो आप, अच्छा भली लगने वाली चीज को प्राप्त किया तो संतोष हुआ, है ना। तो इसी तरह जिसको किसी भी अनात्म पदार्थ से मिलने से संतोष नहीं होता, अनात्म पदार्थ से कोई संतोष जिसको नहीं होता, सिर्फ आत्मा से ही उनको संतोष होता है, वो है आत्मसंतुष्ट। मतलब कोई प्रिय वस्तु मिल गया तो संतोष हुआ, अब उनके लिए प्रिय वस्तु क्या है, आत्मा ही है, मिला कि नहीं मिला तो फिर संतुष्ट हो गया, और आत्मा संतुष्ट हुआ हाँ ठीक है, उसमें तृप्ति भी हो गई, माने और बढ़ोतरी नहीं है तो तृप्ति हो गई। इसका कारण, इसका रमण कहां पर है, आत्मा में ही है। समझ में आ गया, फिर उल्टा पलटा, आगे भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे जो व्यक्ति है जिसकी रति तृप्ति और संतुष्टि केवल आत्मा में ही है, इस तरह के जो व्यक्ति है उसके लिए ये अर्जुन इस चक्र से बाहर अट गया, उसको कोई अपने लिए माने वासना से प्रेरित कर्म कार्य हो गया, करणीयम हो गया, कर्तव्य बन गया, ऐसा जो कर्म कोई इनके पास नहीं रह जाता, क्योंकि वासना ही खत्म हो गए, सब वासनाएं खत्म हो गए, इसीलिए कोई कर्म का शेष नहीं रहा, इसलिए कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब वो कर्म बिना कर्म रहेगा क्या, वो आगे बताएंगे। मन करना जरूरी नहीं है फिर भी करेगा, देखिए हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे चिन्मय मिशन में अभी जब आज ज्ञान यज्ञ का घोषणा की गई, तो 18 से 24 तक ज्ञान यज्ञ होगी, ये प्रवक्ता ये है, और 6:30 से 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक, या ठीक है रोएंगे तो फिर 7:45 में छोड़ देते, चलो 7:45 पर, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ऐसा जो समय है मैं, अच्छा ये समय अब समय के अनुसार मुझे आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कभी बीमार पड़ गया या तो कभी कुछ या व्यस्त हो गया और अन्य कार्यक्रम में, तो फिर अभी ये 15 मिनट लेट हुआ ना, तो ये कुछ कारण, तो ठीक है मान लेते हैं ठीक। अच्छा आज एक दिन कैंसिल कर दिया तो ठीक है, अगला दिन वो भी कैंसिल कर, ठीक है तीसरा दिन फिर कारण पूछेंगे कि किस लिए कारण क्या कैंसिल किया, बोले बस इनके मनपसंद, ऐसा कैसे हो सकता है हम बद्ध है, माने एक रूप। आप देख एक महात्मा जी बैठे हैं एकदम निस्संग सर्वसंग परित्यागी, कहीं पर कहां पे एक पहाड़ पर बैठा है, आप उनका दर्शन करने गए, कोई समय पूछता क्या नहीं, वहां पे इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, फिर पहाड़ छड़कर देखना महात्मा है कि नहीं,
अच्छा, फिर गांव वाले से पूछा कि ऊपर महात्मा है? हाँ है, कल या परसों में उतारता है, उतरा तो नहीं है, तो वहीं है। तो दूसरा गांव वाला बताया, नहीं मुझे शक आ रहा है कि महात्मा जैसा एक व्यक्ति कल शाम को मैंने देखा इधर से जाते हुए। फिर आप शमशे में पड़ गए। और तीसरा व्यक्ति बोलता है कि अब पता नहीं भाई, महाराज महात्मा लोग है, बाबा लोग है, फक्कड़ बाबा लोग है, कभी रहता कभी नहीं रहता, मगर वो दिख रहा है ना ऊपर ऊपर ऊपर। क्या? हाँ हमको दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, तो बिनॉक्युलर्स पकड़ा दे, अब देखो। हाँ हाँ ऊपर दिख रहा है ना वो, हाँ एक टेंट है, हाँ उसमें रहता है भगवान। तो दर्शन करना चाहते हैं क्या? अब मैं जाऊं? पता नहीं, आपकी इच्छा। अब उतना दूर चढ़कर तो महात्मा यदि नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, बड़े मीटिंग लगा नहीं सकते लोगों को, वहां पे कोई है ही नहीं मीटिंग लगाने के लिए जानवर के अलावा। और ज्यादा देर किया तो फिर महात्मा के बिना जानवर पकड़ लेगा, तो जल्दी आ जाओ वापस चुपचाप। मने तस्य कार्यम न विद्यते, वो किसी के व्यक्ति के प्रति या संघ के प्रति कोई अपना कर्तव्य कर्म नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है। फिर आप चढ़कर दर्शन हो गया तो महात्मा जी ने रोटी काते काते गरम गरम रोटी आपको खिला दिया एक, और एक चाय भी पिला दिया ऊपर, और बड़े खुशी से वापस आता है, बस महात्मा का दर्शन हो गया, बस भाग्यवान है। आपको इस तरह का भाग्य मिले या ना मिले, महात्मा जी से कोई संबंध नहीं है। महात्मा जी कहते हैं मुझे बताओ, अकेला बैठा हूं, वो आया आया राम गया राम। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, जवाबदारी नहीं। मगर किया कि नहीं कर्म? आपका स्वागत किया है कि नहीं? स्वागत किया। पूछा कि नहीं? पूछा। आशीर्वाद दिया है कि नहीं? दिया। चाय पिलाया कि नहीं? पिलाया। रोटी खिलाया कि नहीं? खिलाया। प्रेम से बात किया है कि नहीं? किया। आप जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया है कि नहीं? दिया। आपको मजा आया कि नहीं? आया। तृप्ति मिली? हाँ मिली। ये सब करना क्यों? तस्य कार्यम न विद्यते, फिर भी किया। क्या अपेक्षा है क्या? अरे भाई आत्मरति है, आत्मतृप्ति है, आत्मनियम संतुष्ट है। वो क्या 10 रुपए के लिए बुलाता है क्या? वो दक्षिणा के लिए नहीं, न तो आपका दर्शन नहीं चाहता वो, आप आए ना आए, दिए ना दिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में मजे में है। और एक दो दिन आप घर पे रहकर देखो अकेला, फिर तीसरा बोलते हैं आजकल मेरे कोई दोस्त फोन नहीं किया, पत्नी फोन नहीं की, बच्चे फोन नहीं किया, कोई फोन, अब अपेक्षा है आपको? समझ रहे बात आप? आपको कोई पूछने वाला है ही नहीं, आज दूध वाला भी नहीं पूछा, रोज पूछता है कैसे बाबूजी, बाबूजी ठीक है आज, बाबूजी ठीक है, वो ऐसे पूछ बिना पूछे चले गए आज, दूध वाला भी नहीं पूछा, अखबार वाला भी नहीं आया, कुछ कोई है नहीं उधर। तो फिर नो आप तड़पते हैं, क्योंकि अपेक्षा है, क्योंकि आत्मतृप्ति हम नहीं है, आत्मरति नहीं है हमें, और संतुष्ट भी नहीं है। कार्यम न विद्यते, जैसे महात्मा काम किया तो देश के लिए सबके लिए काम करते हैं। और अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण इसमें हम चार लोगों का नाम ले सकते हैं, सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजात। ये चारों लोग विश्व के साथ कोई संबंध नहीं है, हमेशा बालवत जैसे रहते, बाल रूप में 5 सालों का वर्ष बस, और चारों में सत्संग होते रहता है। उनको ब्रह्मा जी न चाहिए, न विष्णु चाहिए, न शिव, कभी कभी चार बैठ जाते हैं। कैसे? एक चढ़ता है आसन पर बैठ जाता है, बाकी 3 सुन सत्संग सुनते हैं। बोल दिया अब तुम उतरो, मैं चढ़ूंगा आसन। और ये विश्व का जो कर्म है, जो हो रहा है, वो सिर्फ देखते रहते हैं,
कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ब्रह्मा जी गुस्सा आया उनके ऊपर, बोला चल चल हम कुछ नहीं है, सृष्टि से लेने देने हमारा नहीं है, इस प्रोजिनी कर्म जो प्रजा प्रजोत्पत्ति कर्म इन जीवों की जो रक्षा करना देखना आपके साथ सहयोग देना सृष्टि में हमारा कोई कर्म नहीं है, हम तो मुक्त है करके चले गए। फिर भी ये चार लोग उपलब्ध है किसके लिए, साधकों के लिए। जैसे उनका स्मरण करते हैं नमन करते हैं उसी समय वे एक तेज के रूप में ये आशीर्वाद एक बिंदु के रूप में आशीर्वाद छोड़ देते हैं। चलो किसी ने हमारा नाम लिया प्रेम से, चलो आशीर्वाद दे देते हैं। लो ये देना जरूरी नहीं है उनके लिए। नारद जी पूछते हैं सनत कुमार जी से, सनत कुमार ब्राह्मण उपनिषदों में आए हैं बहुत बार, इनकी स्थिति देखिए। और न अस्यते किंच इसके अलावा तो क्योंकि नैव तस्य कृते नार्थ नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृते नार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। देखिए क्योंकि न एव तस्य परमात्मरतेः कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति। देखिए प्रयोजनम् न अस्ति कृतेन मने कर्मणा, कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है इनके लिए। अब देखिए हम चाहते हैं रति या संतोष या नहीं तो तृप्ति, इन तीनों के लिए हम तड़पते हैं और हमारे हिसाब से अज्ञानी के लिए ये तीन कहां पर है विषय में, एक एक विषय वस्तु में ढूंढते 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 फिर इसमें आनंद मिलता क्या, इसमें टेस्ट किया ये ठीक नहीं है उसमें ठीक है अच्छा है ये डालो। कई बार ये जो खाने में जा चले जाते हैं ना बफे सिस्टम में, वहां पे पहले पूछते थोड़ा डालो हम अब डालो, ये क्या संकट का है, रोगी जैसे एक एक पहला छोड़ एक डालो ये ठीक नहीं है। इनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, अरे छोड़ो हाँ अपने आप में फुल फूल नहीं है अंग्रेजी में फुल है फुल ठीक है। अस्तु तरहि अकृतेन अकरणेन प्रच्छवाक्याः अनर्थः, अस्तु तरहि तरहि तो फिर अकृतेन अकरणेन प्रच्छवाक्याः अनर्थः तो प्रच्छवाय दोष आएगा उनके लिए क्योंकि कुछ नहीं करता। अकृतेन अकरणेन देखिए अनर्थ की प्राप्ति होने का संभावना है, हो जाएगा नहीं, न अकृते नहीं है भगवान कहते हैं नहीं वह तस्य कृते न मैने किए करने के लिए कृते न अर्थ मैने ये कोई अर्थ नहीं है प्रयोजनम नहीं है इसलिए छोड़ दिया। न अकृते नहीं है कश्चन किया नहीं तो बंधन में पड़ गया क्या, कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है नहीं किया तो भी मुक्त है। न अकृते नहीं है लोके कश्चित कश्चिदपि प्रच्छवाय प्राप्ति रूप आत्मा हानि लक्षणों वा न एव अस्ति, कोई हानि नहीं है आत्मा में न प्रच्छवाय दोष है, इसके बारे में बता दिया हम सब पहले देख लिए, और प्रच्छवाय दोष भी नहीं है और कोई हानि नहीं है, किया नहीं तो हानि है क्या, कोई हानि नहीं हानि नहीं, किया तो कोई प्राप्तव्य वस्तु लाभ है क्या, कोई लब्धि भी नहीं है न लब्धि न हानि, यह है मुक्त पुरुष का लक्षण। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः, न च अस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः, माने किसी भी वस्तु के लिए वो किसी भी ब्रह्मा से लेकर के किसी भी प्राणी में सर्वभूतों में माने सभी प्राणियों में इनका कोई डिपेंडेंस नहीं है, आश्रय नहीं लेता किसी प्राणी का,
कोई भी जीव का आश्रय नहीं लेता, कोई अर्थ के लिए, कोई वस्तु के लिए, कोई लाभ के लिए आश्रय लेना, इनका जो कोई आश्रय किसी का आश्रय नहीं लेता। क्यों भैया? इसके लिए कोई अर्थ है ही नहीं, प्राप्त यह वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म से लेकर के स्थावर स्तंभ पर्यंत कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसके लिए वो प्रयत्न करे, प्रयास करे, आश्रित होकर जिए, एकदम फ्री। देखिए प्रयोजन निमित्त क्रियासाध्य व्यपाश्रय व्यपाश्रयणम, व्यपाश्रय माने व्यपाश्रयण माने कोई प्रयोजन निमित्त क्रियासाध्य, कोई प्रयोजन सामने रखा, कोई प्रयोजन के लिए क्रिया क्रियान्वित होना, उसको कहते हैं व्यपाश्रय। प्रयोजन के लिए क्रियान्वित होना, कर्म में कर्म का कर्म में आधारित होना, कर्म का सहाय मांगना, इसके लिए कुछ है ही नहीं। व्यपाश्रय कश्चित भूत विशेषम आश्रित्य न साध्य, कोई किसी प्राणी का कोई जीव का सहायता लेकर कोई वस्तु प्राप्त कर ले। देखिए हमारे लिए क्या, भगवान के बिना शरीर नहीं रहता, देवताओं के बिना शरीर नहीं रहता, और बगल वाले आजू वाले दूध वाले बिजली वाले प्लम्बर कारपेंटर इन सब के बिना काम नहीं चलता। हम सभी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। देखिए हमारे हमें अर्थ व्यपाश्रय, इतने हम सब आश्रित हो गए सबके ऊपर, इसलिए कर्म करना पड़ता है। देखिए गर्म पानी के बिना नहा नहीं सकते, इसलिए गीजर का ऑन करना पड़ता है, गीजर के लिए बिजली का काम देखना पड़ता है। ये सब काम करने के लिए आपको क्रियान्वित होना चाहिए ना, होना पड़ता है कि नहीं? उठना है, गीजर ऑन करना है, फिर बंद करना, फिर नल खोलना, फिर गर्म ज़्यादा हो गया तो ठंडा पानी मिलाना, फिर ठंडा पानी ज़्यादा हो तो गर्म पानी छोड़ना, ये सब झंझट क्यों? आजकल घर घर की कहानी है, और नहीं रह सकता। और घर से निकलते समय टोपी नहीं मिली, स्वेटर नहीं मिला, तो फिर क्या होगा हालत? तो देखो मैं कहां रखा, वहीं रखी गई, देखो ढूंढो, क्या सॉक्स नहीं मिला, जुराव नहीं मिला, झंझट। तो हर कदम में हम आश्रित होकर जी रहे हैं। तो कश्चित अर्थ अस्ति, यानी आश्रित के लिए कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है, तो कर्म का कोई जरूरी नहीं है, तो किसी कोई प्राणी के भी आश्रित होकर जीना, किसी न कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, न प्राणी के ऊपर या न तो वस्तु के ऊपर आधारित नहीं है। ये न तदर्थो क्रिया अनुष्ठेया स्यात्। ए भैया आप आश्रित हो गया किसी व्यक्ति के ऊपर या वस्तु के ऊपर, तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो आप किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं हैं और वस्तु का भी आश्रय नहीं लेते हैं, अपने आप में मस्त है, स्वस्थ है, आनंद है, अब अपने आप में आनंद है। मैं कौन हूँ? मतलब शरीर मन बिना, मन के बिना, बुद्धि के बिना, प्रकृति से परे जो आत्मतत्व है वही मैं ही हूँ, मेरा ही आनंद स्वरूप है मैं। इसीलिए किसी प्राणी से, किसी देवता से, किसी देन से लेने देना कुछ है ही नहीं। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि बुद्ध भगवान जहाँ सत्संग करते थे तो बौद्ध लोग उनका सत्संग सुनने आ जाते, और एक या दो बार ऐसा भी हुआ कि वो जैन महाराज तो वो भी उनका भी सत्संग बोलता चलता था, तो दोनों आपस में पर मिले नहीं कोई। ये महात्मा लोग मिलना जलना क्या है? वो अपने आप में है मस्ती। तो महात्मा, एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिलते क्या? अरे मिलना क्या है भाई, मिले हुए हैं सब लोग, वहां पे दो नहीं है, एक ही है। मैं देखा, कभी महात्माओं को देखा, कई महात्माओं को देखा मैंने। एक मैंने ये अवधूत महात्मा लोग, विचित्र बात है, कोई किसी से मिलते नहीं। मैं मिलना क्यों?
और वापस में दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है, संभाषण भी हो जाता है, स्थूल रूप से कभी मिले नहीं, बस एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक महात्मा जी के पास जब मैं गया था एक बार, नमस्कार किया तो खबर मिली कि दूसरे महात्मा जी भी बाजू शहर में आ रहे हैं, बस बगल में। तो मैं सोचा कि वहीं से, मेरे को गाड़ी पकड़नी थी तो मैंने पूछा कि महात्मा जी से, मैं उनके महात्मा जी के पास जाता हूँ, जाकर नमस्कार करके चला जाता हूँ। जाओ जाओ तो बैठो, वही बिलाएगा तेरे को। बड़े भीड़ भीड़ इतना भीड़ होती है कि पूछो मत वहाँ पे। मैं भीड़ में मैं बैठ गया कहीं, वो महात्मा जी आया ऐसा देख, ऐसा बुलाया, ये इन्होंने बोला ना जाओ जाओ, मैं बोल देता हूँ तुझे बुलाएगा, बोल दिया होगा मुझे बुलाया, हाँ सब ठीक है सब ठीक है, बस आशीर्वाद दिया चला गया। फिर उनको फ़ोन किया, भाई ऐसे ही हुआ स्वामी जी, महात्मा जी ऐसे ही हुआ, वैसे होता है, कौन कौन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, बुलाना पड़ता है उनको। आश्चर्य की बात है, मैं तो कुछ नहीं किया, इनसे पूछ कर गया, बोला हाँ वो जाके मिलो, मिलके जाओ, वो भी महात्मा है, मैं बोल देता हूँ, वो तुमको दर्शन बुला के बात करके भेजेगा तुमको। इतनी भीड़ में बुला लिया, दूर से देख बैठा हुआ आदमी को देखा, ऐसे देखा आओ इधर, बगल वाला भी उठ गया, तो तू नहीं वो तो सामने गया, नमस्कार किया, पूछे प्रेम से कैसे है, सब ठीक है सब ठीक है, अब कहाँ जा रहे, उधर जा रहा हूँ, बस ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, चलो बेटा चलो जाओ। इतने बार हुआ है ऐसे, देखिए। और ये पहचान लिया तो पहचान लेते हैं, इसे भीड़ में भी पहचान लेते हैं। गुरुदेव के साथ कितने बार हुआ, भीड़ भीड़ में कहीं पीछे रहते हैं तो भी देखते थे, आंखों से इशारा देते थे कि अच्छा बस हो गए, मैं हंसता था, नोटेड, ये भीड़ में भी पहचानने वाला वो है, हम क्या पहचानते हैं, पकड़ने वाला वो हमको पकड़ना चाहिए, ताकि हम बोलते हैं कि आपको चरण नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते, वो छुड़ा दिया था क्या वो दम वाले होते हैं कि नहीं गुरु, एकदम लात मार के चल मेरे पास मत आओ, तो क्या होगा। गुरुदेव ये भी कह दिया एक आदमी से, इफ आई कट द कॉर्ड इवन दो यू वॉन्ट टू सी मी यू कैन नॉट सी मी, बोल दिया। If I cut the cord, even though you want to see me, you cannot see me, बोल दिया। वैसे ही हुआ, if बोला, cut का cord cut भी नहीं किया, जो रस्सी काटा भी नहीं, फिर अब अगले महीने जाने वाले थे, इसको खबर मिली कुछ हुआ, वापस जाना पड़ा, मिला ही बिना बिना, फिर बहुत रोया, यार गुरुदेव मुझे जिगना नहीं चाहता क्या करूं, बोला नहीं हो गया, फिर मैं लेटर लेकर, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। फिर अगले बार मिला, फिर अगले बार शहर में आया, तो फिर अगला साल आया जब गुरुदेव, तो फिर इनको इनका भाग्य देखो, तो कोई नहीं मिला गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर को नहीं रखना चाहते, कोई भक्त ही चलाना है गुरुदेव के साथ, तो ढूंढते ढूंढते इसी के पास आया, जिससे गुरुदेव एक साल पहले बोला कि इफ आई कट द कॉर्ड इवन दो यू वॉन्ट टू सी मी यू कैन नॉट सी मी। फिर गुरुदेव इफ बोला ना, कट तो खाट नहीं किया, फिर इसके मन में बहुत घबराहट हो गई, वो तो गलती तो भाई उसी ने नहीं किया कुछ भी, बस ये परिस्थिति है। फिर अगले साल 7 दिन गुरुदेव के साथ ही, तो अब लास्ट ईयर डांड खाई तो अच्छा हुआ तेरे लिए, डांड खाया अच्छा हुआ, क्यों भाई, ये मिल गया मौका अभी घूमने घूमने का मौका गुरुदेव के साथ ही, बगल में बिठा के गुरुदेव को गाड़ी में 7 दिन चलाना, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, वाह। तो इसीलिए कि यहां पर ये न तदर्थो क्रिया न त्वम अर्थ क्रिया अनुष्ठेय स्यात्, इसलिए भगवान कहते हैं न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्रतोदक अस्थानीय सम्यक समय स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे। देखिए परिपूर्ण जलाशय स्थानीय, ऐसे जो इसके स्थान में जो ज्ञान के साथ तुलना करके इसका उदाहरण जो पहले दिया 2 अध्याय में, सर्वतः संप्रतोदके,
मैंने ऐसा जो ज्ञान सब जगह जो मिला है उस ज्ञान में न त्वम एतस्मिन सर्वतः समृद्धोदक स्थान ये सम्यक दर्शने वर्तसे। देखिए ये सब ना तुम्हारे लिए ऐसे जो ज्ञानी की जो स्थिति है उसमें तुर नहीं है। न वर्तसे त्वम तू माने तू तो त्वम एतस्मिन सर्वतः समृद्धोदक स्थान ये सम्यक दर्शने न वर्तसे। और न वर्तसे के पहले आगे लगा दो न वर्तसे, तुम उसमें तुम्हारी स्थिति ऐसे नहीं है अर्जुन, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है तो करना पड़ेगा कर्म, ये हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।